बिलियनियर पंकज ओसवाल ने एक सीक्रेट लोकेशन पर जा करके अपने आप को लॉग कर दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी जो चीज़ें हुई हैं उनकी फैमिली में, वो उनकी गलती है। पंकज ओसवाल कौन है? पंकज ओसवाल एक इंडियन बिजनेसमैन है और सोल फाउंडर है बुरप होल्डिंग्स के, जो दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड अमोनिया प्रोडक्शन कंपनी है। और आज की डेट में इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ है $3 बिलियन, इंडियन करेंसी में लगभग 25,000 करोड़ रुपये। और पंकज ओसवाल और उनकी वाइफ दोनों एक सीक्रेट लोकेशन पर चले गए और अपने आप को लॉक कर लिया। लॉक उन्होंने इसलिए किया कि उनको ऐसा लगता है कि सारी गलती उनकी है। उनको उनकी डॉटर को युगांडा नहीं भेजना चाहिए। उनकी डॉटर युगांडा गई थी और उसके बाद वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया और अभी तक उनकी कोई भी रिहाई नहीं हुई है, जिसके चलते पूरी फैमिली डिप्रेशन में आ गई है। इस टाइप की स्टोरी बताई है उनकी यंगर डॉटर रिद्धि ने। रिद्धि ने बताया कि मम्मी पापा ने अपने आप को एक जगह पर जा करके लॉक कर लिया है और वहीं वो अफ्रीकन नेशंस भी नहीं जा पा रहे उनकी रिलीज़ के लिए। रिद्धि ने ये बताया कि विदाउट ट्रायल उनकी जो सिस्टर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं उनके पेरेंट्स नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो वहाँ पर जाने के बाद मेरे पेरेंट्स को भी अरेस्ट कर लेंगे। रिद्धि ने यह बताया कि जो उनकी सिस्टर है वसुधरा, उनको मर्डर एलिगेशन के चलते अरेस्ट किया गया है। युगांडा पुलिस के पास इतने ज़्यादा पावर्स है उस कंट्री में कि वो किसी को भी डिटेन कर लेते हैं विदाउट वारंट्स और प्रॉपर लीगल प्रोसीजर। उन्होंने यह बताया कि जिसके मर्डर के एलिगेशन में उनको अरेस्ट किया गया, वो खुद बंदा अलाइव है तंजानिया में। और लास्ट कॉल जो आया था उनको, उस कॉल में यही बताया गया कि उनको अरेस्ट कर लिया गया विदाउट ट्रायल। वहीं उनके पेरेंट्स भी वहां जाते हैं तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया तो वो किसी भी हालत में मेरी सिस्टर की रिहाई की लड़ाई लड़ ही नहीं पाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो ये बहुत ही दुख की घड़ी है इनके परिवार के लिए। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस टाइप की लेटेस्ट सेलिब्रिटी न्यूज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।